डांस एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जहां आप खुद का एक अलग से स्टाइल तैयार कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो फ्री स्टाइल डांस को फॉलो करते हैं। इंडिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 फ्री स्टाइल डांसर, जिन्होंने अपनी फ्री स्टाइल से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है, जिनके एक एक स्टेप पर भाई साहब सीटियां मारने का मन करता है। तो चलिए लिस्ट को देखते हैं और जानते हैं कि आपका फेवरेट इस लिस्ट में किस नंबर पे आता है। देखिए नंबर 5 पर आते हैं पीयूष भगत। देखिए पीयूष भगत को आपने सबसे पहले देखा होगा डांस प्लस के ऊपर, आए थे एक मासूम सा लड़का, लेकिन मैं बता दूं आपको आज इंडस्ट्री में रूल कर रहा है आदमी। जितने भी सिंगल ट्रैक आ रहे हैं सारे के सारे कोरियोग्राफ किए हैं पीयूष भगत ने, प्लस जो साजिया है इनकी गर्लफ्रेंड है और सून ये लोग शादी भी करने वाले हैं वो इनके साथ रहते हैं। बादशाह का कोई गाना है, गुरु रंधावा का कोई गाना है, ये लोग ही हैं जो उसको डायरेक्ट करते हैं। तो 5वें नंबर पर है इंडिया की लिस्ट में पीयूष भगत। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आते हैं वरुण डागर। वरुण डागर को आपने देखा होगा इंडिया बेस्ट डांसर में, इनको शो में नहीं लिया और रीजन क्या था नहीं पता, तो भाई चैनल पे वीडियो पड़ी उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन करके बता रखा है, डिकोड किया है शो को कि भाई क्यों वरुण डागर को शो में नहीं लिया गया। लेकिन नंबर 4 पे रूल कर रहे हैं इंडिया में। अगर बात करें इंटरनेशनली भी तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और आने वाले सालों में फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और हो सकता है डांस प्लस सीजन 7 में ये आपको शो पर देखने को भी मिले। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे आते हैं पॉल मार्शल। तो मैं आपको बता दूं पॉल आपको डांस इंडिया डांस में नजर आए होंगे और ऑलमोस्ट आपको धर्मेश के साथ मैक्सिमम नजर आएंगे। उसके बाद इंडिया का ऐसा कोई भी रियलिटी शो नहीं है जहां पर ये आदमी एज ए असिस्टेंट डांस डायरेक्टर आपको ना मिले। देखिए चाहे धर्मेश की टीम हो, शक्ति की टीम हो, पुनीत की टीम हो, सलमान की टीम हो, सारे डांसर्स का डांस डिजाइन करने में काफी मदद करते हैं पॉल, और लगभग हर चैनल के साथ काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। रिसेंटली पोल ने शादी भी कर ली है, तो भाई खुश हो तो कर दो लाइक पोल के लिए। और अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर रूल कर रहे हैं डांस के बेताज बादशाह प्लस वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट एंड एक्टर राघव जुयाल। अब देखिए जिन लोगों को राघव जुयाल का पता है, आपको बता दूं इंडिया में डांस की रिवोल्यूशन लेकर आने वाला कोई आदमी था तो भाई वो थे राघव जुयाल। उनके डांस के बाद लोगों ने समझ लिया था कि भाई बिना ट्रेनिंग करे भी आप एक अच्छा डांसर बन सकते हैं, प्लस चुलबुली हरकत जो करते हैं वो सबके फेवरेट बन जाते हैं। और अगर आप राघव के फैन हैं तो यार उनके लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता है। और अभी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बीच फंसे हुए हैं और काफ़ी मूवीज पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, काफ़ी अभी भी आ रही हैं। राघव की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हो तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर जाओ, ढेरों वीडियोज़ पड़ी हैं जहाँ राघव जुयाल के हर एक अपडेट की बात की हुई है। बाकी मैं बता दूँ ये है नंबर 2 के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे यार नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है, ऐसा कौन सा बंदा है जिसने राघव जुयाल को बीट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूँ नंबर 1 की पोजीशन पे हैं सुशांत खत्री। अब सुशांत को अगर आप जानते हो तो मैं आपको बता दूं आपने पहले सोच लिया होगा कि सुशांत ही फर्स्ट होंगे। इंडिया में फ्री स्टाइल को कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने वाला आदमी है तो वो है सुशांत। लेकिन मैं आपको बता दूं सुशांत अपना डांस गुरु राघव जुयाल को मानते हैं और उन्होंने राघव जुयाल को ही बीट करके नंबर 1 की पोजीशन ले ली है। आई होप आप भी सुशांत के बहुत बड़े फैन होंगे। सुशांत के फैन है तो करो यार वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।